हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं निकल चुका हूँ अपना कोचिंग के लिए। तो अभी मैं निकला हूँ पैदल, बाकी यहाँ से मैं जाऊँगा बस में, क्योंकि बस पूरे 9 मिनटों में है। एग्जैक्ट टाइमिंग जो आ रही है बस की, जो मैंने मैप पे चेक किया, क्योंकि कई बार क्या होता है उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग आती है, उसको मतलब मेंशन किया होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग है, ऐसा कुछ मतलब उसका एक निशान होता है जिसमें बीएसली पता लग जाता है कि इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग है। तो वो 9 मिनटों में आ रही है और मैं निकल चुका हूँ घर से। और बाकी आज मैंने एयरपोर्ट पे भी जाना है, एक भाई को लेके आना है, गैरी है जो उनका यार दोस्त है गैरी भाई का। तो फिलहाल अभी तो एक बार कोचिंग पे जा के आते हैं, आज टेस्ट भी है सेंटर पे, तो देखते हैं क्या रहेगा। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आपको सीधा बस में बैठने के बाद, और फिर उसके बाद अपने सेंटर पे। तो जो भी होगा बताएंगे आपको आज का जो टेस्ट है, तो देखते हैं टेस्ट में क्या रहेगा। तो फाइनली गाइस, क्लास से फ्री होके मैं निकल चुका हूँ वहाँ से और अब जा रहा हूँ अपना घर की तरफ। तो बाकी आज टेस्ट भी हुआ है, उसमें टेस्ट अकॉर्डिंग टू मी बहुत बढ़िया हुआ है। बाकी जब रिपोर्ट आएगी तो भी पता चलेगा जब टेस्ट मिलेगा। तो फिलहाल अभी घर पहुंच के देखते हैं, थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, थोड़ा बहुत खा पी के फिर अपना एयरपोर्ट की तरफ भी निकलना है। एक सुबह बताया था भाई आ रहे हैं, तो उनको लेके भी आना है। तो देखते हैं, मिलते हैं आपको सीधा घर पहुँच के। तो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ घर पर और अभी देखते हैं, शेक बनाता हूँ फिर, पहले शेक बना के फिर भाई को करता हूँ कॉल, जो अभी काम से आए नहीं, वो कितनी देर में आने वाले हैं पूछ लेते हैं, क्योंकि फिर उनका पास लेके जाना है, पास लेके चल जाऊँगा उनका। तो अभी फिलहाल बनाता हूँ शेक, तो अब मिलते हैं जब जाऊँगा। तो गाइस, शेक सुख बनाने के बाद, पीने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ घर से, क्योंकि बस भी पूरे 2 मिनट बाद है, नहीं 3 मिनट बाद। अभी मैं देख के आया हूँ घर से, बस निकल चुका हूँ। बाकी लगना है मुझे भी 1-2 मिनट लगना है, मैक्सिमम 2 मिनट, बाकी 1 मिनट का ही है जब से अपने घर के पास ही है। जिस बस में मैं सुबह गए थे ना अपना कोचिंग के लिए दोपहर को, वही बस सीधा वहीं आगे भी जाएगी बरेरो सिप की तरफ। तो मैं जाऊँगा सिप में फिर आगे बाय मेट्रो, तो अभी फिलहाल बस में, तो मिलते हैं आपको सीधा बस में बैठने के बाद। मैं सीप में बैठ चुका हूँ और सीप ऑलमोस्ट खाली है, कुछ लोग बैठे हुए हैं और पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो भी मिलते हैं आपको सीधा ट्रेल तो पासो पहुँच के, यहाँ से एक बार चलते हैं, उसके बाद ट्रेल तो पासो, फिर वहाँ से मेट्रो में। तो मिलते हैं आपको सीधा वहीं पहुँच कर ही ट्रेल तो पासो। तो फाइनली गाइस, मैं आ चुका हूँ अपना मेट्रो स्टेशन पे और अब यहाँ चलते हैं मेट्रो में, फिर मिलते हैं आपको सीधा अब एयरपोर्ट पहुँच के, ठीक है, मिलते हैं भाई से भी। तो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट पे और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ ऊपर बार की तरफ, तो मैं तो आपको बार पहुंच गए। एयरपोर्ट के अंदर तो फाइनली गाइस, मैं आ चुका हूँ अपना बाहर, ठीक है, मेट्रो स्टेशन से। और अभी करते हैं भाई को कॉल, ठीक है, और पूछते हैं वही कि वो कहाँ हैं, कहाँ वेट कर रहे हैं, कब तक आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको बाद में।
तो गाइस मे बी ना जो उनकी फ़्लाइट है वो 10:07 वाली थी पेरिस से ओरली, जो पेरिस ओरली वाली है जो, वो डिलेड है, 19:55 पे आएगी वो। मे बी उन्हीं की यही फ़्लाइट थी, क्योंकि वो इंडिया से पहले फ्रांस फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, तो यही है वो पेरिस से ओरली वाली। तो देखते हैं अभी, करते हैं वेट, नहीं तो भाई को, क्योंकि उनके पास अभी कॉल भी लग रही, मैसेज किया है, नेट बंद है अभी उनका, तो मे बी यही रीज़न है। तो कोई बात नहीं, करते हैं वेट, तो उसके बाद मिलते हैं जब वो आते हैं। तो फाइनली गाइस भाई को मैंने पिकअप कर लिया है, और हम यहाँ से जाएंगे भाई मेट्रो, फिर भाई सिर्फ आप लोगों को पता ही है जैसे हम डेली सफ़र करते हैं, तो अब मिलते हैं आपको सीधा यहाँ से घर पहुँच के। ये खड़े हैं अपने भाई जी, ये इनका बैगेज, तो मिलेंगे आपको सीधा घर पहुँच कर ही। तो गाइस फिलहाल हम निकल चुके हैं अपना मेट्रो से, हम उतरे हैं अभी रास्ता दौर, यहाँ पे मतलब नकुल भाई और गैरियो भाई काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो फिलहाल हम जाएंगे उनके रेस्टोरेंट पे, देखते हैं पहले उनसे मिल लेते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे कुछ बैठ के खा पी के फिर जाएंगे हम घर की तरफ। बाकी देखते हैं कैब तक रात को उनके साथ निकल जाएं, टाइम भी 9 बज चुके हैं, 2-3 घंटे हैं वो काट के, कैब उनके साथ चलते हैं फिर हम भी, तो जो भी होगा बताएंगे आपको। फिलहाल निकलते हैं हम यहाँ से, मिलते हैं आपको उनके रेस्टोरेंट पे पहुँचने के बाद। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना रेस्टोरेंट पे, और भाई गए अभी टॉयलेट में वॉशरूम करने, बाकी साइड में लगी हुई है ताकि यहाँ पे जो कस्टमर बैठे हैं उनको ठंड ना लगे ज़्यादा। तो फिलहाल हम करते हैं कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, बाकी भाई तो अपने खाने पीने वाले हैं, तो मैं भी अभी कहीं जाना पड़े पीने के लिए मतलब कुछ लेने के लिए पीने के लिए, जैसे दारू वगैरह वाइन वगैरह, तो वो देखते हैं जो भी होगा बताएंगे उसके बारे में भी, क्योंकि रात को तो इन्होंने आज पैकेज लगाना ही है, आपको तो लगाते नहीं ना, मैं बीर पीता जो संत बंदे मान लो, ठीक है। और फिर देखते हैं वक्त फिलहाल क्या आएगा, पहले यहाँ पर हल्का फुल्का कुछ खा भी देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अगर कहीं जाना पड़ा इनके लिए कुछ लेने तो फिर वहाँ चलेंगे। बाकी रात को भाइयों के साथ ही जाएंगे, 12 बजे के बाद ही इनके साथ निकलते हैं आज, ठीक है। बाकी टाइम भी कितना हो गया, 9:30 तो हो ही चुके हैं, ठीक है, 9:30 हो चुके हैं, 12 बजे, दो मतलब 2.5-3 घंटे आ चुके हैं, तो उसके बाद फिर अपना निकलना ही है यहाँ से, तो जो भी होगा बताएंगे आपको। फिलहाल अब करते हैं थोड़ी देर यहाँ पे खा भी लेते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस फिलहाल हम पी रहे हैं शेक, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे ओरिएंट, जो भी बताया था मैंने बोतल वगैरह लेने के लिए तो मिलते हैं आपको सीधा वहीं पहुँच के। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपना जो भी सामान लेना था हमने पीने के लिए, भाई जा रहे हैं अपना आगे आगे। तो गाइस जो हम सामान लेने गए थे वो सामान लेके हम दोबारा आ चुके हैं बायो के रेस्टोरेंट पे, और अब निकलेंगे हम यहाँ से थोड़ी देर में 12 बजे के बाद, तो देखते हैं क्या रहेगा, जो भी होएगा बताएंगे आपको। बाकी पीछे गैर भी बैठे हैं, इनका भी रेस्ट चल रहा है, 1/2 घंटे का ब्रेक है। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं अपना 2500, अब हम जा रहे हैं सीट में बैठने के लिए, तो मिलते हैं आपको सीधा घर पहुंच के, घर जाके खाना खुना भी बनाना है, ठीक है। बाकी पीछे आ रहे हैं भाई और आगे भी जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको सीधा घर पहुंचने के बाद ही, ठीक है, यहाँ सीट में फिर आगे बस में देखते हैं कैसे भी, तो मिलते हैं वहीं पहुंच के अभी। तो भाई घर पहुंचने के बाद सब्जी हमने बना ली है, और अब बनाते हैं रोटी और फिर खाएंगे उसको, तो मिलते हैं आपको अब कल इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Next video, take care and thank you for watching this video.